हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी सिलचर से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं जो कि जुलाई दिसंबर 2024 सेशन के लिए आवेदन है। नीचे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट, एरिया ऑफ रिसर्च और ग्रुप बताया है कि कौन से ग्रुप के अंदर आवेदन है। तो यहाँ पर ग्रुप ए और बी है जो कि हम आगे चल कर आपको बताएंगे। तो आप ये डिपार्टमेंट देख सकते हैं और उसके साथ में ही अपने एरिया ऑफ रिसर्च दे सकते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग, आगे इन्होंने और भी बताए हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट बताए हैं जिनमें कि फाइनेंस, एचआरएम, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनोवेशन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज के अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे बताए हैं। इनके अंदर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री, ट्रांसलेशन स्टडीज़ बहुत सारे हैं। तो आप ये आपके हिसाब से देख सकते हैं और ये ग्रुप ए और बी दोनों के अंदर आवेदन है। आगे इन्होंने यहाँ पर एडमिशन ग्रुप बताया है कि एडमिशन ग्रुप ये क्या है। तो एडमिशन ग्रुप ए के अंदर इन्होंने बताया है कि जो रेगुलर कैटेगरी के अंदर है, जो कि फेलोशिप रिसीव करेंगे MOE, CSR, UGC से या फंडिंग एजेंसी से किसी से भी, तो वो आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी ए के अंदर जो फेलोशिप हो वो MOE, CSR, UGC की गाइडलाइन के थ्रू हो। और दोस्तों इसके अंदर याद रखिएगा कि आप ना जब भी आप ये इंस्टीट्यूट छोड़ोगे या कोई जॉब लग गई है तो किसी भी प्रकार से आप ये PhD लीव कर रहे हो तो आपको अपनी जो भी फेलोशिप दी है तो वो रिफ़ंड करनी होगी फुली। तो इस बात का पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा एडमिशन लेते वक्त, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बाद में PhD छोड़ देते हैं और फिर उनको काफ़ी सारे पैसे वापस करने होते हैं। तो ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे सबसे लास्ट लाइन में ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। और एलिजिबिलिटी बताया है अब इन्होंने ग्रुप ए के लिए, तो ग्रुप ए के लिए जिनके पास में ME, MTech है जिन और साथ में गेट या नेट क्वालिफिकेशन है 6.5 CGPA के साथ में या CPA के साथ में, 60% मिनिमम मार्क्स के साथ में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और जो SC ST PWD कैंडिडेट से है उनका 6.0 CPA है या CGPA है 55% मार्क्स के साथ में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और जिनके पास में BE, BTech की डिग्री है वैलिड गेट स्कोर के साथ में 8.0 CPI है और या 75% मार्क्स है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। या कोई ग्रेजुएट हुआ है IIT, NIT से 7.0 CPI से, या SC ST PWD जो कैंडिडेट उनको 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है, तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो IIT, NIT से किया हुआ है तो। और जो आपके पास में UGC, CSR, NBHM, नेट स्कोर, गेट वगैरह है तो वो आपके रेलिवेंट डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए जो साइंस से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और उनको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे मास्टर डिग्री वालों को जो साइंस से रिलेटेड होंगे। और इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए। और जिन्होंने मास्टर डिग्री मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर की है तो उनके लिए भी सेम है, उनको भी 60% मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम, और SC ST PWD के लिए 55% मार्क्स चाहिए होंगे और नेट गेट UGC का स्कोर चाहिए होगा। और ऐसे ही इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लिए बताया है। अब दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर PhD ग्रुप बी के लिए बताया है जिनके अंदर की फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलेगी, स्टाइफंड नहीं दिया जाएगा NIT सिलचर के द्वारा। और यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी है, रेगुलर के लिए भी है, स्पॉन्सर्ड के लिए है, और आगे पार्ट टाइम के लिए, इंस्टीट्यूट एम्प्लॉइज़ के लिए, प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए, और जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन है स्पॉन्सर्ड तो उनके लिए भी है। और उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी तो वो बताई गई है कि ME, MTech उनकी 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, इसके अंदर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST PWD के लिए। यदि कोई मास्टर डिग्री साइंस के साथ में है तो उनको भी 60% मार्क्स चाहिए होंगे, और मैनेजमेंट वालों के लिए भी 60% मार्क्स चाहिए होंगे, लगभग सेम ही है सभी के अंदर। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पर लिंक दी हुई है, इसके थ्रू आप जाकर आगे आपको एक एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगी जो अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी हम आपको हमारी वेबसाइट पर दे देंगे। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन के अंदर पहली लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं और आप अदर ऑनगोइंग फॉर्म भी देख सकते हैं। और दोस्तों रिसर्च प्रपोजल यदि किसी को बनवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको 499 के अंदर रिसर्च प्रपोजल की सर्विस मिल जाएगी। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ₹1000 एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ओपन और OBC कैटेगरी वालों के लिए, ₹500 SC ST PWD के लिए रहेगी। और दोस्तों फ़ीस आपको किस प्रकार से पे करनी है, तो ये आपको SBI कलेक्ट के अंदर जाकर पे करनी होगी। आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हमारा कोई भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उनके अंदर SBI कलेक्ट के थ्रू ही फी पे होती है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमने बताया है उसके अंदर कि किस प्रकार से फ़ी पे करनी है।
उसके बाद में दोस्तों जो भी रेफरेंस नंबर निकलेगा वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिलअप करना होगा और उसकी डेट डालनी होगी कि आपने कब पेमेंट की और रेफरेंस नंबर क्या है उसका। और दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 15 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी शाम 5 बजे तक। और दोस्तों जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसकी PDF आपको पूरी कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी और साथ में जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सभी की PDF निकल जाएगी। वो आपको एक PDF के अंदर निकाल कर आपको phd_admission@nits.ac.in इस ईमेल ID पर सेंड करना होगा। और सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखना है तो वो भी देख लीजिए यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम, और जो इस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट लिख दीजिएगा। आगे लिखना है अप्लाइंग फॉर, फिर जो भी ग्रुप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वो भी लिखना है आपको। हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप ये ईमेल कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। और यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 15 जून लास्ट डेट यहाँ पर फिर से बताई है। और जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कंटेंट इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट के लिए उनकी लिस्ट 27 जून को आ जाएगी। और रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू आपका 22 जुलाई को होगा। और जो अपलोड कर दी जाएगी लिस्ट जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट होंगे जो भी पास हो जाएंगे तो 24 जुलाई को आ जाएगी लिस्ट। और रजिस्ट्रेशन आप 25 जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर तो यहाँ पर दिया ही हुआ है और यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आप अपने सभी वेटेज वगैरह दिए जाएंगे क्लास 10th से लेकर, और यहाँ पर आपके पास में गेट, नेट, UGC इनका सिलेबस रहेगा इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इनका सिलेबस आप देख सकते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और जो ग्रुप ए के अंदर आवेदन कर रहे हैं गेट, नेट, UGC क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के थ्रू तो उनको वेटेज मिलेगा। और यहाँ पर कुछ जनरल टर्म्स कंडीशन बताई हुई है तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर पूरी कुछ डिटेल्स बताई है तो आप ये देख सकते हैं। और आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही देना है दोस्तों, क्योंकि आपको इस पर ही कॉन्टैक्ट किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसी PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।